फतेहपुर जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 2 साल की मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ मंदिर से वापस लौटते समय बोरवेल में गिर गई। जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव के बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नसीरपुर गांव के रहने वाले बीरभान निषाद की माँ अपनी 2 वर्षीय पोती अंकिता के साथ मंदिर गई हुई थी। मंदिर से वापस आते समय अंकिता खुले बोरवेल में गिर गई। इस बात की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से बोरवेल के बगल में खुदाई शुरू करवाई। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद गांव वालों ने अपनी जान पर खेलकर अंकिता को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला। गांव से कुछ दूर पर स्थित देवी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए नसीरपुर गांव ग्राम प्रधान राकेश पाल ने हैंडपंप लगाने के लिए बोरिंग करवाई थी। बोरिंग फेल हो जाने के बाद ग्राम प्रधान ने उसे थोड़ी बहुत मिट्टी और बोरे डालकर बंद करवा दिया था, लेकिन समरसेबल पंप लगाने के लिए किया गया बोरवेल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, जिस पर पैर पड़ने के बाद मासूम बच्ची बोरवेल के गड्ढे में नीचे चली गई। पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों द्वारा जान पर खेलकर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिस पर बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली। इस मामले में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि इस सूचना के मिलने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 16 फीट नीचे गिरी बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। थाना खकरेरू अंतर्गत ग्राम नसीरपुर में बीरभान की पुत्री 2 वर्षीय बच्ची अपनी दादी के साथ गांव में ही एक मंदिर पर गई थी और जब उसकी दादी दर्शन करने के लिए मंदिर में गई तो वो बच्ची बोरवेल में चली गई। मौके पर 112 सूचना इसकी मिली, तत्काल थानाध्यक्ष मौके पर गए, जेसीबी मशीन के साथ करीब 16 फीट खुदवाने के बाद बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।